नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए पर डे ग्रामर का एक पार्ट लेकर आऊँगा और उसे ख़त्म भी कराऊँगा, तो उसी को निभाते हुए, उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए, निभाते हुए, तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, बेसिक चैप्टर होता है सर हमारा ग्रामर का नाउ, ठीक है सर का। हालांकि बहुत इजी चैप्टर है और जो बच्चे पढ़ते हैं ग्रामर को वो नाउन पढ़ना पसंद नहीं करते साहब। वो कहते हैं सर नाउन में क्या पढ़ना है, प्रोनाउन में क्या पढ़ना है, ये तो बड़ा सरल है। बहुत से बच्चे तो नाउन छोड़ भी देते हैं, प्रोनाउन भी छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेस है आपका, अगर आप बेस नहीं अच्छा करोगे अपना, तो सर आपकी जो इमारत है ना सर, वो अच्छी नहीं बनेगी सरकार। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें जानना बड़े इम्पोर्टेंट है सर, वो जानना भी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूँ थोड़ा सा, कि अब आपको पर डे एक लेक्चर मिलेगा और आज से मैं आपके ग्रामर का जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इसका फ़ायदा सभी को हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपन, देर नहीं करते हैं सेशन को। नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसे ये समझ के मत पढ़िएगा कि साहब ये तो हमें आता है और ये क्या पढ़ना है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये छोटी नहीं है बेटा, ये बहुत मोटी चीज़ है, ठीक है। अभी नाउन की मैं आपको अगर यहाँ 10 एरर लिख के दे दूँगा तो फंस जाओगे आप, 10 में से 8 में फंस जाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। कारण है उसका, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो, 10वीं सीढ़ी पर छलांग मार लो, छलांग तो मार लोगे बेटा और 10वीं में पहुंच भी जाओगे, लेकिन दांत टूट जाएंगे आपके, या आपके बेटा पैर टूट जाएंगे, या हाथ टूट जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूटेगा बेटा, हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ें, पहले बेस अपना अच्छा करें, फिर उसके बाद हम धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक है सरकार। तो चलिए सर, देर नहीं करते और श्री राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नाउन का अगर मैं आपसे हिंदी अर्थ पूछूं तो आप में से कई लोग कहेंगे संज्ञा, संज्ञा ही तो कहेंगे आप लोग, बिल्कुल सही बात है भाई, संज्ञा कहेंगे भाई, नाउन का मतलब भी होता है संज्ञा। यह हिंदी पढ़ा है ना हमने, इसलिए हमें संज्ञा पता है कि नाउन का मतलब है साहब संज्ञा, क्योंकि हम हिंदी पढ़ी हुई है हमने बचपन में, और हमने जो अपना स्कूल में पढ़ा हुआ है उसमें भी हमें संज्ञा ही बताया गया था, तो हम क्यों ना बोलें इसको संज्ञा, ना हम नहीं बोलेंगे साहब संज्ञा। तो स्कूल वाली चीज़ अगर आज चल रही होती तो सर हमें सिलेक्शन मिल जाता, रट्टा मारना पड़ता था ना उसमें, यहाँ रट्टे से काम ही नहीं चल रहा सर। तो नाउन मीन्स हम इसे संज्ञा कहेंगे ही नहीं सर, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे नेम। और इस नेम का मतलब क्या होता है हम जानते हैं सरकार, नाम, ठीक है सर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो आप कहेंगे नाउन इज नेम। सर नाउन क्या है हमारा, नाउन नाम है, बस खत्म हो गया सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सर माइक, भाई क्या लिया मैंने उसका, नाम लिया, और नाम लिया तो नाउन हो गया। मार्कर, साहब इसका नाम है, और इसका नाम है तो वो क्या है हमारे लिए, नाउन है। मैंने कहा सर बोर्ड, मैंने कहा सर लाइट, मैंने कहा कैमरा, है भाई मोबाइल, कहाँ रहते हो साहब, भिंड में रहते हैं, भिंड, जगह का नाम लिया कि नहीं लिया आपने। आपके मुंह से जो भी नाम निकलेगा वो क्या कहलाएगा, एक नाउन कहलाएगा, ठीक है सर का। कुर्सी,
अरे रूम, कमरा है, टी शर्ट, अरे सरकार अंगूठी, रिंग। भाई आपके मुंह से निकलने वाला नाम, आपने कहा सर रोशनी, बहुत बढ़िया। खाना, अब ये मत कहना साहब ये तो क्रिया हो गई, ये तो क्रिया हो गई। नहीं सरकार, क्रिया बाद में है, क्रिया तो वो बाद में है, पहले क्या है, पहले तो वो एक नाम है, और नाम है तो वो एक नाउन है। समझ में आ रही है बात? अब आपने कहा सर बहादुरी, बहादुर, ठीक है सरकार। अब कहोगे सर बहादुर तो एक एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, हो गया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, लेकिन सबसे पहले वो क्या है, एक नाम है, और नाम है तो वो एक नाउन है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है सामान्य तौर पर, ये पूछा भी जाता है कि हर एक शब्द, सुनना जरा ध्यान से, हर एक शब्द बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मतलब सामान्य तौर पर हर एक शब्द क्या होता है, तो पूछा जाता है एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, देखो जरा, लेटर होता है, नाउन होता है, अरे सरकार प्रोनाउन होता है, क्या होता है, तो इनमें से बाय डिफॉल्ट एक नाउन होता है। सामान्य तौर पर अगर कोई भी शब्द है तो उसे हम बाय डिफॉल्ट नाउन ही कहते हैं, बाद में कुछ और बनेगा, वो बाद में वो कैसे भी यूज होगा सेंटेंस में वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है, पर यहाँ पे हमारे लिए वो नाउन है। ठीक है सरकार, तो मैंने आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझाई है कि नाम, आपके मुंह से जो भी नाम निकला वो एक क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा यहाँ पर एक समस्या भी है सर, अब समस्या क्या है सर, उस समस्या से निपटते हैं। अब हमने तो कह दिया सर कि हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द नाउन है, कुछ लोगों ने आपत्ति उठा ली, उन्होंने कहा साहब ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, आपने कह दिया सर नाउन होता है, हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द नाउन होता है, ऐसे थोड़ी चलेगा, मजाक चल रहा है। हमने कहा नहीं सर मजाक तो नहीं चल रहा, एक काम करते हैं नाउन को 5 भागों में तोड़ देते हैं भाई, उसे संतुष्ट करने के लिए। अब एक आध दो भाग में तोड़ते तो समझ में नहीं आता, इसलिए 5 भागों में तोड़ दिया। जो विद्वान थे अंग्रेजी भाषा के, उन्होंने क्या किया, उसको 5 भागों में तोड़ दिया। अब बेटा जब 5 भाग समझ लेना कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है आपका प्रॉपर, पहला है आपका प्रॉपर नाउन, आ जाओ दूसरे पे आ जाओ, दूसरा है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। जरा बेटा ध्यान से देखते चलना, ठीक है, आपके काम की चीजें हैं। और उसके बाद में चौथा है आपका मटेरियल, मटेरियल नाउन। और पांचवा है बेटा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लो साहब कितने भागों में तोड़ दिया उसको, 5 भागों में तोड़ दिया। जो विद्वान थे अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे, उन्होंने 5 भागों में तोड़ दिया। उन्होंने कहा साहब ठीक है आप नहीं मान रहे, आप मानोगे तो। हमारे जनजीवन पे सर हिंदी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों ने हिंदी को पढ़ा है, तो अभी मैं आपसे इसका हिंदी अर्थ पूछू ना प्रॉपर नाउन का, तो आप फटाक से कह दोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तुरंत कह दोगे सर आप, क्या कह दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये कहोगे आप। इससे पूछू तो आप कहोगे सर जातिवाचक संज्ञा, इसे आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा। अच्छा कुछ तो इतने महान हस्तियां हैं, इतनी महान हस्तियां हैं कि वो उसको जातिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं सर, तोमर, तोमर भदौरिया, ठाकुर, शर्मा, जाट, जाति है ना सर, हिंदी का प्रभाव है सर। अच्छा कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है सर समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, इसको तो बिल्कुल सही बोलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा, इसको आप ये कहते हैं सर, हाँ तो गलत नहीं कहते,
अच्छा लास्ट में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको कहा जाता है सर भाववाचक संज्ञा, ठीक है सरकार, ये सर कहा जाता है हम लोगों से, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब पांच भाग लिखे हैं तो इनमें साहब हमें क्या मतलब है, क्या सेंस है इनका, कहाँ से ये आ गए, क्यों टपक गए, कैसे टपक गए। तो सर सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करेंगे हम लोग, और प्रॉपर नाउन पढ़ने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे दैनिक जीवन में या हमारे ग्रामर भाषा में, दोबारा सुनना, हमारे दैनिक जीवन में जो हिंदी भाषा का प्रभाव है और जो हमारी ग्रामर में हिंदी भाषा का प्रभाव है वो सिर्फ 10% है, ठीक है। कितने परसेंट है? 10%। दैनिक जीवन में 90% होगा, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव सिर्फ 10% होगा, लेकिन हमारे ग्रामर में क्या है, उल्टा है, 10% हिंदी भाषा का प्रभाव है। बस वो भी सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि साहब मैं बाजार जाता हूं तो आप बोलोगे सर आई गो टू मार्केट, बस इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि कुल मिला के अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा को सरल बनाने के लिए या उसे समझने के लिए ही हिंदी भाषा का प्रभाव है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों के अलग अलग प्रभाव हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर यहां पर जो लिखा हुआ है ना प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहां पर इसका मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है, कई लोग व्यक्ति विशेष से जोड़कर चलते हैं इसको, तो व्यक्ति विशेष से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। मैं इस बात को ही काट रहा हूं, मेरे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ये प्रॉपर नाउन, तो क्या है ये मेरे लिए है उचित। अब देखो मैंने अभी इस नाउन को क्या कहा था, नाम कहा था, नाम यानी कि क्या कहा था, मैंने इसे नेम कहा था, तो मैं कहूंगा उचित नाम। इस प्रॉपर नाउन का जो मतलब है वो है उचित नाम। अपन बोल देना प्रॉपरली बैठो बेटा, ठीक तरीके से बैठो, ठीक तरीके से, तो ये भी ठीक तरीके वाला नाम, उचित नाम। अच्छा यहां पे कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, मैं ऐसे सर जातिवाचक संज्ञा से जोड़कर ही नहीं चलूंगा, बड़ी सिंपल सी भाषा में लिखूंगा ऐसे समान वाचक, समान नाम, यानी ऐसे नाम जो समानता प्रकट कर दें। पहले इन दोनों से निपट लेते हैं, इन तीन भाइयों से बाद में निपटेंगे, इन दोनों से निपट लो पहले, ठीक है। अब ये समान नाम की बात हो रही है सरकार, ठीक है, किसकी बात हो रही है, समान नाम, और ये लिखा है सर यहां पे उचित नाम। तो सबसे पहले इस समान नाम से निपट लो, आ जाओ सुनना जरा ध्यान से। मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, शब्द माने नाम, उस शब्द का नाम एक नाउन होता है। अगर ये मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने ये कहा मार्कर, ठीक है, तो इसे क्या कहूंगा, ये भी तो मार्कर है भाई। इन दोनों में समानता क्या हो गई, मार्कर मार्कर इनके नामों की समानता हो गई, ठीक है, किसकी समानता हो गई, इनके नामों की समानता हो गई भाई। मार्कर ये भी है और मार्कर ये भी है मेरे पास भाई, इसे भी मार्कर कहूंगा और इसे भी मार्कर कहूंगा, ऐसा तो है नहीं जा मार जा कहूंगा मार्करा, ऐसा तो नहीं है, या ऐसे कहूंगा मार्करी, ऐसा भी नहीं है। दोनों को क्या कहना पड़ेगा सरकार, मार्कर। तो ये मार्कर ध्यान से सुनना जरा, जब नाम हमारे समानता प्रकट करते हैं तो कौन सा नाउन होते हैं, समान नाम होते हैं, समान वाचक होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहां लिखता हूं सरकार मार्कर, कॉमन नाउन है, अब आप समझदार हो सर, अब मैंने लिखा आपके सामने मोबाइल, कॉमन नाउन है सरकार, मैंने आपके सामने लिखा कार, कॉमन नाउन है सरकार, ये कॉमन नाउन को प्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि कार सुजुकी की भी होती है, होती है टाटा की भी कार है कि नहीं। तो सरकार मैं कैसे कह दूं, कैसे कह दूं सर कि नहीं साहब ये अलग है साहब, वो ये कार है ये कारा है, कैसे कह दूंगा सरकार, नहीं कह सकता ना। तो सर यहां पर इस बात को समझ लेना, जब नामों की समानता, किसकी समानता,
नामों की समानता प्रकट होने लगे तो कॉमन नाउन बन जाता है वो। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे मुंह से निकलने वाले जितने भी नाम होते हैं वो सभी कॉमन नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं साहब? कॉमन नाउन होते हैं। हमारे मुंह से जितने भी नाम निकलेंगे सब कॉमन नाउन निकलेंगे, सबके सब। अब साहब ये कॉमन नाउन तो निकलेंगे वो तो समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल तौर पे वो ले लो, मैंने कहा सर गाय, काऊ। मैंने कहा सर कुत्ता। बेटा कॉमन नाउन जितने भी निकलेंगे कॉमन नाउन निकलेंगे, ठीक है साहब। अब एक बात और सुन लो, मैंने कहा आशीष, सुन लो इधर, मैंने कहा आशीष कॉमन नाउन है। बहुत से महान महान जो विद्वान हैं वो कहेंगे नहीं साहब कॉमन नहीं है साहब, ये तो प्रॉपर है साहब। तो व्यक्ति देखते हैं ना वो लोग सीधा, क्या भाई वो सीधा घुसेंगे, अरे व्यक्ति है साहब व्यक्ति। एक और देखो, मैंने कहा सर नरेंद्र, ओहो नरेंद्र, कहेंगे नहीं ना साहब कॉमन नाउन कैसे हो गया, अरे तो मास्टर कुछ नहीं आते। एक बात बताओ भैया, काय को नहीं होंगे जो कॉमन नाउन? मैंने कहा नामों की समानता, मैंने कहा नामों की समानता। अब सुनना, मैंने कहा आशीष कुमार है, और मैंने यही नीचे की तरफ लिख दिया आपके सामने आशीष यादव है। ये बताओ कॉमन नहीं हुए क्या ये आशीष है, हुए क्या नहीं हुए? देखो कुमार यादव। अब बहुत से समझदार लोग कहेंगे स्काय साहब दो भी तो हो सकते हैं आशीष कुमार, तो उनके बाप तो अलग अलग होंगे, क्या बाप हुए होगा? चलो बाप भी एक होगा इत्तेफाक है, तो दादा तो अलग होगा, पूर्वज तो अलग होंगे उनके। तो सरकार यहां इस बात का ध्यान रखना, यहां कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? नामों की समानता। यहां नामों की समानता के लिए बात हो रही है कॉमन नाउन का। अच्छा कॉमन नाउन का एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा समझ लेना। आपने क्रिकेट खेला बचपन में, वैसे बॉयज ही खेलते हैं, गर्ल्स तो अब आजकल खेलने लगी हैं, पर पहले तो नहीं खेलती थी। तो क्रिकेट में आपने गली क्रिकेट में देखा होगा, हम टीम बांट लिया करते थे, पांच खिलाड़ी उस तरफ, पांच खिलाड़ी इस तरफ हो गए, हैं आठ उस तरफ हो गए, आठ इस तरफ हो गए, एक बच जाता था उससे क्या कहते थे? बेटा तू कॉमन हो ले, कहते थे तू कॉमन हो जा यार, कॉमन जो तेरे पास है वही मेरे पास है। तो ये साहब कॉमन नाउन की कहानी है, समझ में आ गई? नामों की समानता, सीधी बात है यार, नामों की समानता प्रकट करे। अब भाई आशीष कुमार, आशीष यादव, देखना इन दोनों के पास एक ही बात की समानता है, तो क्या इनके नामों की समानता? आशीष आशीष, तेरा नाम भी आशीष मेरा नाम भी आशीष, कहने का मतलब जो तेरे पास वो ही मेरे पास, उसी को कहा जाता है कॉमन नाउन। अब आप कहोगे सर ये गाय और कुत्ता ये कहां से आ गए, ये क्या चीज है साहब? अब बेटा एक बात बताना मुझे, सिंपल सी बात बताना, ठीक है, गाय कॉमन नाउन नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती कॉमन नाउन? सोच के बताना आप मुझे, क्यों नहीं हो सकती? मतलब इसमें नामों की समानता क्यों नहीं हो सकती? आप कहोगे सर गाय तो एक ही होती, क्यों होती है भैया? गाय की नस्लें होती हैं, नील गाय, मुर्शी गाय, मुर्फी मुर्शी मुर्शी मुर्फी होती है, मुर्शी होती है, जो भी होती है। जब हम किसी की नस्ल बताते हैं, तो दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बताते हैं? जब हम किसी की नस्ल बताते हैं, अब नस्ल किसकी होती है? नस्ल होती है साहब जानवरों की, जान मनुष्यों की नस्ल होती है, हमारी नस्ल है साहब, हमारी भी नस्ल है भाई, जानवरों की नस्ल होगी, हमारी नस्ल होगी, मनुष्यों की होगी, पक्षियों की नस्ल होगी, वनस्पतियों की नस्ल होगी। अच्छा आप कहोगे साहब मार्कर की कौन सी नस्ल है? तो मार्कर की नस्ल नहीं होती, मार्कर की निर्माता कंपनी होती है जो इसे बनाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सर ठेका ले लिया, सिर्फ सेलो मार्कर ही चलेंगे पूरी दुनिया में, नहीं साहब, कैमल नाम की कंपनी भी तो मार्कर बनाती है, बनाती है कि नहीं बनाती है?
तो अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कैमल मार्कर, ध्यान से देखना, मैंने कहा सर कैमल मार्कर, अब मैंने आपसे कह दिया सर सेलो मार्कर, जरा ध्यान से देखना बेटा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी समान क्या है, मार्कर हो गए कि नहीं हो गए, या मार्कर हमारे लिए क्या हो गया कि नहीं हो गया कॉमन नाउन। तो आप कहोगे तो सर कैमल मार्कर क्या है, तो वो प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है ये प्रॉपर है साहब, तो आशीष कुमार प्रॉपर है, आशीष यादव प्रॉपर है, मुर्फी काऊ प्रॉपर है, ये प्रॉपर नाउन में चले गए। हम उनका उचित नाम ले रहे हैं, उचित नाम। भाई अभी मैं मार्कर कह रहा था, ये तो अनुचित हो गया ना, ये तो समानता प्रकट कर रहा है। अब मैं इसकी निर्माता कंपनी का नाम भी जोड़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो अब आपका, अब बताओ इसमें व्यक्ति कहां से घुस गया, है व्यक्ति। जैसे ही आदमी ऐसे देखे आशीष कुमार, ओ हो भैया हाँ ठीक ठीक ठीक, प्रॉपर नाउन में डाल दो, काय को डाल दो। पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि कॉमन क्या है और प्रॉपर क्या है, ये समझना होगा हमें। ये है, यही तो हमारा बेस है भाई। अगर मैं आपके सामने यहां पे एक छोटी सी बात लिखता हूं, तब देखना जरा, जरा ध्यान दें सभी लोग। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया आपके सामने मोबाइल, लो साहब। अब ये क्या है सर, हमारा कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन कैसे बनेगा, लिख दो ना सैमसंग मोबाइल, लो क्या दिक्कत है, एक और लिख लो वीवो मोबाइल, लो एक और लिख लो सोनी मोबाइल, लो लिख दिया साहब। कहानी थोड़ी समझ में आई कि नहीं आई, अगर कहानी समझ में आ रही है तो वीडियो देखते हुए चलना, मजा आएगा आपको। ये तो शुरुआत है सर, ये मोबाइल का मैंने क्या बना दिया सर, ये तो हमारे लिए कॉमन नाउन था, मैंने बना दिया प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन कैसे बनाया, इनकी निर्माता कंपनियों का नाम जोड़कर बनाया, देखो इनकी निर्माता कंपनियों के नाम जोड़कर बनाया। एक और ले लो, एक और ले लो छोटा सा, मार्कर के ऊपर तो ले लिया था, दूसरा ले लो, चलो कुत्ता ले लेते, डॉग ले लो, मैंने कहा था ये कॉमन नाउन में जाएगा। अब साहब ये प्रॉपर नाउन बनेगा कैसे, ये सुन लो, ये सुन लो कैसे बनेगा ये प्रॉपर नाउन। तो इस कुत्ते का मैं क्या बताऊंगा सर, इस कुत्ते का नस्ल बताऊंगा सर, माफ, तो नस्ल बताऊंगा, तो नस्ल कैसे बताऊंगा सर, सुन लो जरा, आपने सुना ही होगा बुल डॉग, सुना नहीं सुना है, जर्मन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना है, जर्मन शेफर्ड डॉग, और भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं, पता नहीं कौन कौन से नस्ल के होते हैं, पर ये हम नस्लों के नाम बता रहे थे। तो इस कुत्ते की क्या बता दी सर हमने, नस्ल बता दी, और जब नस्ल बता दी तो हमारे लिए क्या बन गया, ये बन गया प्रॉपर नाउन। एक ले लो छोटा सा एग्जाम्पल, और लो जैसे मान लीजिए बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लो, अब आम का सीजन भी चल रहा है, मैंगो, अगर मैंने मैंगो कह दिया तो सर ये क्या है सर हमारे लिए, ये हमारे लिए कॉमन नाउन है। अब इसी को अगर मैं प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बताऊंगा, इस आम की नस्ल आती नहीं है, आम की नस्ल आती है साहब, आप आम खरीदने जाना, वो कहेगा दुकानदार मैडम कौन सा आम दे दो, मालिक कौन सा आम खाओगे, दशहरी खाओगे, देखो बेटा लिख दिया ना आपने दशहरी आम, मैंगो आता है कि नहीं आता, अच्छा लंगड़ा भी आता है, हैं लंगड़ा मैंगो आता है कि नहीं आता भाई, हैं तोता परी भी आता है, तोते ऐसी चोंच होती है उसकी, तोता परी मैंगो, ये सब आम की क्या है सरकार, नस्ल है। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं मैंगो कॉमन नाउन है, उनकी नस्ल बता रहा हूं, तो ये क्या हो गया सर, ये बन गया प्रॉपर नाउन, ठीक है सरकार। तो कॉमन नाउन क्या कहता है, जो तेरे पास वही मेरे पास, ये कहता है कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन क्या कहता है? प्रॉपर नाउन कहता है कि जब मैं उसकी नस्ल बताऊंगा। अब नस्ल किसकी होती है? पक्षियों की, जानवरों की, मनुष्यों की, वनस्पतियों की नस्ल होती है, पर वस्तुओं की क्या होती है? कंपनी, निर्माता कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है सर, जो क्या करती है? उत्पादन करती है। तो उसका नाम जोड़ेंगे तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन जैसे बात कर ही रहे हैं, अपन कह रहे हैं सर कि कॉमन नाउन कहता है जो तेरे पास वो मेरे पास, यानी नामों की समानता प्रकट की जाती है। तो अब सोचो सर, जरा और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं जो नामों की समानता प्रकट करते हैं। सोचो जरा सर, अब कौन कौन सी होती है सर वो नामों की समानता प्रकट करने वाले? जैसे मैं स्टूडेंट लिख दूं, सुन लेना बेटा, सभी पदों के नाम, नौकरी पेशा धंधा व्यापार व्यवसाय कुछ भी हो, उन सभी के नाम क्या होते हैं? कॉमन नाउन ही तो होते हैं वो। स्टूडेंट सिर्फ मैं ही हूं क्या? तुम ही हो क्या? सिर्फ वही है क्या? बाकी नहीं है स्टूडेंट? स्टूडेंट हो गया। अच्छा, और क्या हो गया सर? मैन, वूमेन, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, देखते जाना। ओह, जज, देखे आए ये सब? सब कॉमन नाउन है, सभी कॉमन नाउन है सरकार। और क्या कॉमन नाउन सर? ह्यूमन, मनुष्य कॉमन नाउन में नहीं है? ये भी तो कॉमन नाउन में चला जाएगा सर, ये सब कॉमन नाउन है, जितने भी आपके पेशा। अच्छा, बिजनेसमैन एक और ले लो। लो सर, लो सर, बिजनेसमैन। अच्छा, लीडर, नेता है, ये सभी के सभी हमारे कॉमन नाउन में जाते हैं। अब आप कहोगे सर इनका प्रॉपर बताओ, बता देंगे हम प्रॉपर, बता देंगे साहब। अब स्टूडेंट का प्रॉपर बताओ, तो स्टूडेंट साहब दो हो सकते हैं, कौन कौन हो सकता है? विमल कुमार हो सकते हैं, है? मोहिनी शाक्य हो सकती है, हो सकते हैं नहीं हो सकते? लो सर, हो गए। तो सरकार आप देख लो, यहां पे स्टूडेंट तो लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, हो सकता है ना। अच्छा, यहीं पे आ जाओ सर, मैन वूमेन बॉय गर्ल, तो इनमें भी सर किसी ना किसी लड़की और लड़के का नाम आ जाएगा। हो गए सर, प्रॉपर नाउन बन गए, अभी तक जो कॉमन थे अब प्रॉपर बन गए। एक और देख लो, डॉक्टर, क्यों भैया? डॉक्टर से मेल ही होगा, फीमेल ही होगा, तो यहां पर जब आप नाम लिखोगे तो प्रॉपर बन जाएगा, डॉक्टर अनीता कुमारी। वाह वाह वाह, है? सपने मत देखो बेटा, अनीता, डॉक्टर अनीता कुमारी। अब जो तुम्हारे डॉक्टर बन गए साहब, लो बन गए कि नहीं बन गए? मेहनत करो बेटा, डॉक्टर ऐसे मजाक थोड़ी है ना। तो डॉक्टर अनीता कुमारी, लो साहब बन गया सर, बन गया कि नहीं बन गया? एक और ले लो साहब, और भी बन सकता है सर, डॉक्टर आशीष कुरैचिया। लो सर, बेटा तुम स्टेनो ही बन जाओ, तुम CND में ही जाओ बेटा। तो सर ये यहाँ पे डॉक्टर बन गए सर, लो सर। ठीक है सरकार, तो आप यहां पर जब इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अभी कॉमन नाउन में थे। इसी प्रकार जैसे कोई भी पद का नाम हो, ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे सरकार? ये आपके सभी के सभी हो जाएंगे, कॉमन थे यहां ये प्रॉपर हो जाएंगे। समझ में आ गया सरकार? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सर आप थोड़ा समय ले लो इसको नोट करने के लिए, आपको नोट करना है नोट कर लो, ठीक है? तो नोट करने के बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है? टेक योर टाइम। दोस्तों, यहां मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये दोनों लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा कॉमन नाउन का पार्ट है और ये हमारा प्रॉपर नाउन का पार्ट है, ठीक है?
और यहां मैंने अलग से लिख भी दिया है आप लोगों के लिए, आप देखें सर, एनिमल और वर्ड्स, इनकी तो ब्रीड होती है यानी कि नस्ल, ठीक है बेटा। ह्यूमन, ऑल वेजिटेबल्स विथ फ्रूट, इनकी स्पेसीज होती है यानी इनको भी नस्ल ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ जाती हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं निर्माता कंपनियां, निर्माता कंपनियां। तो यहां पर ये इसके साथ में चली जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ कॉमन नाउन आपके सामने प्रेजेंट किए हैं समय को बचाते हुए, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से लिख लेना, पहले अपन समझ लेते हैं। वहां मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, यहां थोड़ा डिटेल में बता दिया है। जैसे कि लॉयन, अगर ये हमारे लिए कॉमन नाउन है तो इसकी जो नस्लें हैं, आप जरा नस्लें देखें जरा, पैंथ्रा लियो, ये नस्ल हो गई सब, पैंथ्रा लियो नस्ल हो गई, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया हमारे लिए। आप जरा ध्यान दें, कॉन्गो, एशियाटिक और अफ्रीकन, ये हमारे लिए शेर की नस्लें हैं। जब हम सिर्फ लॉयन कहते हैं तो कॉमन नाउन बनता है, और यदि हम पैंथ्रा लियो कहेंगे तो प्रॉपर नाउन बनता है। जब भी हम कॉन्गो लॉयन बोलेंगे वो हमारे लिए कॉमन नाउन नहीं, माफ कीजिएगा, प्रॉपर नाउन बनेगा। अगर हम एसिटिक लॉयन बोलेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है रोज, रोज माने गुलाब। अब सरकार गुलाब की भी नस्लें होती हैं, तो जब गुलाब की नस्लें होती हैं कौन कौन सी होती हैं जरा ध्यान दें, जरा ग्रैंडीफ्लोरा, ये नस्ल है ग्रैंडीफ्लोरा। आगे लिखा हुआ है सर हाइब्रिड टी, ये भी नस्ल है सर, जैसे चाय, चाय की पत्ती होती है उसको आप उबालो चाय की पत्ती को, जो कलर चाय की पत्ती का होता है बेस्ट, उस टाइप का गुलाब होता है, इसलिए इसमें टी शब्द जोड़ा गया, हाइब्रिड टी। अच्छा, इसी की एक और नस्ल होती है ग्राउंड कवर, ये भी एक नस्ल है साहब। तो ये किसकी नस्ल है सर? गुलाब की। आगे बढ़ते हैं, कार, कार के बारे में तो बता चुका हूं मैं आपको, मैन्युफैक्चरर कंपनीज जितनी भी होंगी उनके साथ अगर हम किसी भी वस्तु को जोड़ के लिखेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे कार के लिए देखो, टाटा, मारुति, फोर्ड, और भी बहुत सारी हैं, BMW, ये भी एक अपने आप में एक है, है ना, तो ये भी एक कंपनी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, सर BMW कंपनी है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या पे ये एक प्रकार का वो तो नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये कोई ब्रांड तो नहीं है, अब देख लेना अपने हिसाब से बताते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लेकिन मुझे। अच्छा, मोबाइल के बारे में बात करते हैं सर, मोबाइल के भी आप देखो जरा, सैमसंग, ये तो कंपनियों का नाम है सर, सैमसंग हुआ, विवो हुआ, सोनी हुआ, ये सभी कंपनियों का नाम है। आगे बढ़ते जाओ, नोकिया, नोकिया ले लो साहब, अब ये भी आपकी कंपनी का नाम है सर, नोकिया मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, सोनी मोबाइल, सबके सब प्रॉपर बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जरा, कैमल, कैमल के लिए बागरी, बागरी एक करके एक नस्ल होती है सर ऊंट की, तो ये भी हमारे लिए किस में चला जाएगा सर, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कुकू माने कोयल, अब कोयल की देखो कितनी नस्ल है, देखो एक तो कोयल होता है, एक इसे कौवा बोलते हैं, एनिस भी कहते हैं, अच्छा कौसल्स भी कहते हैं इसको, देखो कितने सारे नाम है कोयल की, कोयल की नस्लों के नाम है ये सभी के सभी, ठीक है। आगे बढ़े सर, गाय, गाय की नस्लें देखो जरा, अंगस है, जर्सी है, माफ के मुर्सी, मुर्सी भैंस की नस्ल थी वो, अब थोड़ा गलत बोल गए, अब अपन बृहस्पति वाले टीचर तो है नहीं, अपन इंग्लिश वाले टीचर है, तो ये अपन को इतनी नॉलेज है नहीं। खैर वैसे एक बात पता कर लेना, मुर्गी अपन सही बोल रहे हैं, भैंस की नस्ल है ना वो, वैसे मैंने सुना तो है, गाय और भैंस इनमें से ही नस्ल थी तो मुझे याद रह गई। अच्छा, गाय की नस्लों में आपकी जर्सी हो गई, अंगस हो गई, हाईलैंड हो गई, ये सब गाय की नस्लें हैं। जब हम किसी जानवर की नस्लें बताएंगे तो वो हमारे लिए हमेशा प्रॉपर बन जाएगा। आगे देखो जरा, टोमेटो, टोमेटो माने क्या हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर है, पोटैटो, आलू, देखो इनकी भी नस्लें देखो, टोमेटो और पोटैटो की देखो, टोमेटो की नस्लें देखो, स्टूपाइस हो गया, ब्लैक जेब्रा हो गया, ग्रीन जेब्रा हो गया, ये सर हमारे टमाटर की नस्लें हैं। देखो आम की नस्लें तो बता ही चुका था मैं आपको, अल्फांसो, अल्फांसो भी एक हाँ नस्ल होती है, देखो दशहरी, लंगरा, मलिका, मलाइका है, मलिका है, तोतापुरी, देखो जरा तोतापुरी, हिमसागर, ये सबके सब आपकी आम की नस्लें हैं सर का। आगे देखते हैं सर, देखो कुत्ते की नस्ल मैंने आपको पहले बता दी थी, जर्मन शेफर्ड, ये स्पेलिंग मैंने कहा था आपसे स्पेलिंग सही कर लेना, ये है जर्मन शेफर्ड की स्पेलिंग, ठीक है। अच्छा बुलडॉग, ये भी नस्ल है सर। अच्छा देखो इधर पूडल, पूडल ये भी एक कुत्ते की नस्ल है,
लोग पालते हैं, शौकीन है। हमारे यहाँ तो नहीं पला यार कुत्ता, हमारे पड़ोस में जरूर पला है। अब इनमें से कौन सी नस्ल वाला है तो बताऊँ मैं आपको, वो उसके पास बुलडॉग है और बहुत बड़ा कुत्ता है साहब। अच्छा सर, बीगल ये भी नस्ल है साहब, ये भी नस्ल है। बॉक्सर ये पता नहीं क्या सोच के इनके नस्लों के नाम है। हस्की ये भी साहब हमारे लिए कुत्ते की नस्ल का नाम है। तो अगर आप किसी जानवर की नस्ल बताएंगे प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अच्छा देखो, पोटैटो का रसेट फिंगर रेड वाइट ब्लू, ये सभी के सभी आपके क्या हो गए सर, ये सभी के सभी नस्लें हो गई आपकी, पोटैटो की, आलू की नस्ल हो गई। ठीक है सरकार, तो आप समय ले लें, आप इसे नोट करना चाहे नोट कर लें आराम से, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं इसको। टेक योर टाइम। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अब फिर से हम अपना समय बचा रहे हैं सरकार, और समय बचा के कुछ अच्छी चीजें आपको यहां बताने जा रहे हैं सरकार। आप भी अपना समय बचाइए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फुर्ती में, ठीक है सर, और बाद में लिखा करो। अच्छा सर यहाँ पे देखो जरा, ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये मैंने आपको बता दिए थे। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर हम क्यों कहें सर, हम लॉयन के बारे में ऐसे क्यों कहें सर, पैंथ्रालियो क्यों कहें हम सर, ये हम पैंथ्रालियो क्यों कहें सर, हम तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना सर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर वाइट लॉयन, ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ साहब बोल तो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, बोल सकते हैं। अच्छा इसी में जैसे रोज है, अब रोज के बारे में हम सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं रेड रोज, ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, बोल तो सकते हैं यार, बात भी सही है। तो ये क्या होगा सर। अच्छा उसके बाद में कार के बारे में तो सर अपने ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, लार्ज कार, बिग कार, ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर। अच्छा मोबाइल के बारे में सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, स्मॉल स्मॉल मोबाइल, ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, ब्लैक लिख लो सर, ब्लैक मोबाइल, ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, बोल तो सकते हैं सर, बात भी सही है सर। लेकिन अब ये क्या बन गए सर हमारे। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाइट लॉन एक हमारी प्रजाति भी होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके रंग पर जा रहे हैं, अगर आप उसके रंग पर जा रहे हैं, देखिए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अभी प्रॉपर नाउन के बारे में हमने जो पढ़ा वो सिर्फ इतना ही पढ़ाता, वो यही पढ़ाता कि प्रॉपर नाउन वो है जो स्पेशली नस्ल बताए, है ना, क्या बताए, नस्ल बताए, जाति बताए, वो है हमारे लिए प्रॉपर नाउन। लेकिन जब वो उनका रंग रूप आकार गुण बताने लगे, क्या बताने लगे, गुण ही तो बता रहा है। अब जैसे मार्कर ले लो, अगर जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैंगो है, मैंगो के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर स्वीट मैंगो, ठीक है। तो अब अगर वो यहां पे गुण बताने लगे, अगर अच्छा देखो मैं यहां पे लिख देता हूं सर कॉस्टली मैंगो, ठीक है, अगर वो गुण बताने लगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, कौन सा नाउन बन जाता है, वो हमारे लिए एट्रीब्यूटिव नाउन बन जाता है, ठीक है। यानी कि क्या कहेंगे इसे, हम इसे हम कहेंगे गुणवाचक, यानी कि जो क्वालिटी बताए, क्या बताने लगे, क्वालिटी बताने लगे। अब देखो शेर की यहाँ क्वालिटी बताई जा रही है, हालांकि ये एक अपने आप में वाइट से सफेद शेर होते हैं सर, मैं आपको बता दूं सर, ठीक है। यहाँ ऐसे ले लो, फियर्स लॉयन ले लो, खूंखार शेर। तो सर अब ये यहाँ पे ये खूंखार शेर मैंने लिख दिया, तो अब ये खूंखार इसमें क्या हो गया, इसकी क्वालिटी हो गई सर। अब ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से हटके हम कहां चले गए, कहां चले गए सर, एट्रीब्यूटिव नाउन में चले गए, गुणवाचक संज्ञा में चले गए। यानी जो गुण बता रहा है, क्या बता रहा है सर का, देखो गुण बता रहा है, शेर का गुण कैसा, खूंखार। देखो रोज कैसा, गुलाब कैसा, लाल। देखो कार कैसी है, बड़ी है, लार्ज लंबी है, हैं? यहां पे मोबाइल कौन सा, स्मॉल छोटा सा है, मोबाइल कौन सा है, ब्लैक है। इधर देखो मैं आम कैसा है, मीठा है, आम कैसा है सर, महंगा है। तो यहां पर जब हम किसी नाउन की क्या बताने लगे सर, क्वालिटी बताने लगे, क्वालिटी आकार, आकार बताने लगे उसका, रंग बताने लगे उसका,
है ना, रूप बताने लगे हैं उसका, स्वाद बताने लगे हैं उसका, है ना, ये एक्स्ट्रा ये चीजें हम बताने लगते हैं, तो वो चीज हमारे लिए एट्रीब्यूटिव नाउन में चली जाती है, यानी कि क्वालिटी बताने वाला कहलाया जाता है उसे। अच्छा, अब एक चीज को थोड़ा समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। यहां से हमारा रूल नंबर पहला यानी रूल नंबर वन निकलेगा। क्या निकल रहा है सर, कौन सा रूल निकल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां से हमारा पहला रूल निकलेगा हमारे ग्रामर का। अब वो रूल क्या है साहब, वो रूल ये है कि जितने भी एट्रीब्यूटिव नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल ए और एन दोनों यूज होते हैं, लेकिन जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल ए एन यूज नहीं होता है, द होता है, आर्टिकल द यूज होता है, ठीक है। कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहां पे सर मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला रूल क्या है सर हमारा, जो पहला रूल जो हमारा निकला है वो ये कहता है कि आर्टिकल ए और एन कभी भी यूज नहीं होने चाहिए। कहां यूज नहीं होने, माफ कीजिएगा, यूज होते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले, एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन यूज होगा। अच्छा, इसी में दूसरा नियम क्या कह रहा है सर हमारा, दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी आप ए और एन यूज नहीं करना यदि प्रॉपर नाउन लिखा जाए। और इसी में मैंने आपको अभी तीसरी बात बताई है, वो क्या बताई है कि हम द यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले, यूज कर सकते हैं साहब। तो ये है सर हमारा ग्रामर का जो रूल है वो ये निकला है सर। पहला देख लें सर, एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले आर्टिकल ए एन लगेगा। अब आप बोलोगे सर द नहीं लगेगा क्या, द नहीं लगेगा क्या? तो सर द लगने की कंडीशन अलग है, ये हमारा जो भाग है ये वाला भाग स्पेशली एडजेक्टिव से रिलेट करता है, तो जब हम एडजेक्टिव के पास जाएंगे तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। द लगा सकते हैं लेकिन द लगाने की कंडीशन अलग है, तो वो एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। अभी नाउन के साथ कंडीशन क्या चल रही है कि एट्रीब्यूटिव नाउन होगा तो हम ए और एन यूज करेंगे। अच्छा, यहां पे सर प्रॉपर नाउन के साथ कंडीशन क्या चल रही है कि आर्टिकल ए एन यूज नहीं करेंगे। अच्छा, द यूज करेंगे, कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए सर मैंने कहा आपके सामने, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आई हैव परचेस्ड ब्लैक मोबाइल, ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जरा ध्यान से देखें आप जरा, आई हैव परचेस्ड ए सैमसंग मोबाइल, एक और देख ले जरा, आई हैव परचेस्ड द सैमसंग मोबाइल। जरा ध्यान देना बेटा, ये तीन बातें मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। अब पहली बात के अनुसार आई हैव परचेस्ड ब्लैक मोबाइल, भाई सबसे पहली बात तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ब्लैक मोबाइल हमारे लिए एट्रीब्यूटिव नाउन है सर, और एट्रीब्यूटिव नाउन जब भी यूज होगा हमेशा हम क्या लेंगे, ए और एल लेंगे। तो इसके पहले आपको लगाना है अ मोबाइल, अ ब्लैक मोबाइल। आपको यहां पे क्या यूज करना होगा सर, यहां आपको यूज करना होगा अ ब्लैक मोबाइल, आई हैव परचेस्ड अ ब्लैक मोबाइल। अब सही हो गया, अभी तक ये सेंटेंस गलत था। अब दूसरा देखो जरा, आई हैव परचेस्ड अ सैमसंग मोबाइल। सर ये देखो सैमसंग मोबाइल, तो ये तो सर हमारी कंपनी का नाम आ गया सर, तो ए और एन यूज ही नहीं होगा। अब सेंटेंस सही हो गया। आप कहोगे सर सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन बन रहा है, ये एट्रीब्यूटिव बन रहा है, कैसे पहचानेंगे भाई? तो पहले तो मैं आपको एट्रीब्यूटिव के बारे में पहले बता चुका हूं, रंग रूप आकार स्वाद इस टाइप के वर्ड, क्वालिटी बताने वाले वर्ड आ जाए तो वो एट्रीब्यूटिव है। अगर फिर भी आपको तकलीफ हो रही है, आपके पेट में गुड़गुड़ हाथ हो रही है बेटा, तो सुनो,
जब भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा उसका पहला लेटर नाउन के पहले जो भी शब्द होगा, प्रॉपर नाउन की पहचान सुन लो, वो पहला लेटर उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस में पहले आ जाए, बीच में आ जाए या अंत में आ जाए, समझ जाना प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो मैंने बी स्मॉल बनाया है और यहां एस मैंने कैपिटल बनाया है, मैंने पहचान लिया, एक सेकंड में पहचान लिया प्रॉपर नाउन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सरकार डाउट खत्म हो गया होगा। अब तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है, आई हैव परचेज दी सैमसंग मोबाइल, क्या मैं यहां द लगा सकता हूं? नहीं बेटा, अभी नहीं लगा सकता, मैंने द की कंडीशन नहीं बताई आपको। ये देखो ये सैमसंग मोबाइल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो सर ये सेंटेंस सही हो गया। अब द कहां लगा सकते हैं प्रॉपर नाउन में वो सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इतना समय नहीं है अपने पास, वीडियो लंबी हो जाएगी है ना, आप टिकटॉक एक घंटे देख सकते हो बेटा, लेकिन ये वीडियो आप एक घंटे नहीं देख पाओगे, झेल नहीं पाओगे बेटा, है स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा रूल देखो बेटा है, अभी भी तो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम द यूज कर सकते हैं सरकार, किस कंडीशन में कर सकते हैं वो सुन लो, वो बता रहा हूं आपको, कंडीशन सुन लो। कंडीशन ये है कि जब हम किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी बड़े व्यक्ति से करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से करते हैं, तो उस कंडीशन में हम वहां पे आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। जैसे कालिदास वॉज नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन के पहले लगा दिया। अब सुन लो एक बात और, ये मैंने जब द है तो इसको क्या बना दिया है, स्पेशल स्पेशल केस बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं आपके सामने कालिदास वॉज अ शेक्सपियर, बस इतना छोड़ दूं, अब भी ठीक है। देखो यहां स्पेशल केस था और यहां मैंने क्या लिख दिया, अलाइक, अलाइक अलाइक माने के जैसा, ठीक है, दोनों बातें अलग है सर। कालिदास भारत के शेक्सपियर है, ये अलग क्या है, ये विशेष केस हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कालिदास शेक्सपियर जैसे हैं तो ए लगा रहा हूं मैं। जैसे एक और ले लो, मैंने कहा सर ही इज एन अमिताभ बच्चन, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पे, अलाइक, देखो ये एन लगाया मैंने इधर, ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि वह कौन है साहब, वो अमिताभ बच्चन के जैसा है, ठीक है। तो सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैं ए और एन किस केस में लगा रहा हूं, यह द किस केस में लगा रहा हूं, ठीक है सरकार। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक होता है, आप आराम से समय ले लें। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे हमारे सर दो टॉपिक खत्म हो गए, प्रॉपर का खत्म हो गया और कॉमन का खत्म हो गया, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर हम मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं पहले हम, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन, ठीक है सर। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है ये भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे कहा जाता है समूह वाचक, ठीक है। अब एक बात को अच्छे से समझ लेना दोस्तों कि जब समूह वाचक की बात हो रही है तो ये समूह बनाता है, लेकिन हमारे लिए सवाल यह है कि समूह बनाता कैसे है, मतलब समूह का कोई एक नंबर तो होगा, कोई डिजिट तो होगा उसका, तो वो डिजिट कितना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कलेक्टिव नाउन बनेगा कैसे या बनता कैसे है, कब हम कलेक्टिव नाउन उस चीज को कहेंगे, कब कहेंगे कलेक्टिव नाउन, तो ध्यान रखिएगा दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, यहां मैंने एक का जिक्र नहीं किया है, मैंने ये नहीं कहा है एक या दो से अधिक, मैंने ये नहीं कहा है,
मैंने कहा है सिर्फ दो से अधिक, और दो से अधिक होता कितना है अपना, तीन। बेटा जिस जगह आपको तीन लोग नजर आ जाएं, समझ जाना उसने कलेक्शन कर दिया, यानी वो कलेक्टिव हो गया। क्या क्या हो गया सर? वो कलेक्टिव हो गया। तीन मिनिमम संख्या है ये, इसे मैं क्या कहूंगा सर, मिनिमम, ये मिनिमम डिजिट है मेरा। ठीक है अगर अच्छा ये पूछा जाए सर आपसे, फिर मैक्सिमम बता दो मुझे कि मैक्सिमम डिजिट क्या होगा, तो मैक्सिमम डिजिट हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत, अनंत तक चला जाएगा सर, अब चाहे कितना भी हो उसमें। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी कलेक्टिव नाउन की बात आपसे कोई करे, पूछे कि कलेक्टिव नाउन कैसे बनता है, तो आप क्या कहेंगे, दो से अधिक। और दो से अधिक होता कितना है, मिनिमम तीन होता है, यानी कि जैसे ही तीन लोग, वस्तु या जो भी वॉट एवर इकट्ठा हो जाए, समझ जाना कलेक्टिव हो गया वो। ठीक है, इसी को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें आप ऐसे, जैसे मान लीजिए सर अभी हम सभी लोग, कि अगर मैं जैसे हम सभी लोगों की बात करूं, जो भी यंग हैं या जो अनमैरिड हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं सर, सिंगल। आपने सुना होगा उनको क्या कहा जाता है सर, सिंगल कहा जाता है, कहा जाता है ना सिंगल। अच्छा, जैसे ही सर उनकी शादी हो जाती है, तो अब वो सिंगल से क्या हो गए सर, डबल। लोग उनको क्या कहते हैं, कपल। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, पुजारी कहते हैं बेटा शादी हो गई, हाँ हो गई, कथा करवानी है, यज्ञ करवाना है, हाँ सब करवाना है, जाओ पेयर में आओ, काय में आओ, पेयर में, जोड़े में आओ। ध्यान रखना इस बात का कि जब आप अनमेरिड है, अभी आप क्या है सर, सिंगल, शादी के बाद हो गए डबल, लोग क्या कहेंगे, कपल। पूजा पाठ, हवन सामग्री, यज्ञ, जो भी कुछ करोगे, पुण्य धर्म का काम अपनी पत्नी के साथ मिलके करना पड़ेगा, पेयर में करना पड़ेगा, जब पेयर हो गया। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को सरकार, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए सपोज करें अभी तो आप डबल थे, एक साल बाद हो गया बेबी, अब जब बेबी हो गया तो अब आप क्या हो गए सर, आप हो गए सर ट्रिपल, और जब ट्रिपल हो गए तो क्या बन गया, कलेक्टिव, और कलेक्टिव बन गया तो अब उसका नाम क्या है, फैमिली, ये है उसका नाम। ठीक है, एक जनरल बात और बताता हूं, अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है आपकी फैमिली है, हम कहते हैं हाँ साहब है साहब, फैमिली है साहब। कौन कौन है फैमिली में सर, छह लोग हैं सर फैमिली में, कौन कौन, दादी, मम्मी पापा, मैं, मेरे दो भाई दो बहनें। मतलब भाई तुमने तो कमाल कर दिया यार, मम्मी पापा को पैदा किया है, दादा दादी को पैदा किया है, है? सर हमारी फैमिली नहीं है, जब तक नहीं है जब तक हमारी शादी नहीं हुई सर, हम तो सिंगल हैं सर, हम सिंगल हैं। आपसे पूछा जाता है ना मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो, क्यों नहीं लिखते उसमें, क्यों नहीं लिखते उसमें, नहीं साहब सिंगल नहीं साहब मिंगल है। तो बेटा ध्यान रखना इस चीज का, हमारी कोई फैमिली नहीं है जब तक शादी नहीं हुई, तो हम है कौन सर फैमिली, फिर फैमिली क्या है सर, फैमिली हमारे मम्मी पापा की है, दादी बाबा जिन्ना है तो दादी बाबा की फैमिली है, तो हम कौन है सर, सर वी आर द पार्ट ऑफ फैमिली, वी आर द मेंबर ऑफ फैमिली। किसकी फैमिली, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी फैमिली का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर, तो यहां पर क्या हो गया सर हमारे लिए, यहां पे सर हमारे लिए कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया, तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अच्छा, क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया, और क्या हो गया सर, आर्मी। देखो भाई इसमें दो से अधिक लोग होते हैं, मैंने क्या कहा सर, दो से अधिक मिनिमम तीन और मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो सर यहां पे फैमिली, क्लास, आर्मी, और आगे ले जाओ कोई भी आप लिख सकते हो, यूनियन, कोई भी संगठन हो जाएगा सर, ये भी तो आपका सर एक तरीके कलेक्टिव नाउन हो गया। अच्छा, ज्यूरी, ज्यूरी समझते हो, न्याय समिति। आप कभी चेक करना, जैसे नच बलिए और डांस इंडिया डांस आपने देखे ही होंगे चैनल पे, इंडियन आइडल भी देखे होंगे आपने, तो वहां पे जो जज बैठते हैं जज, देखो वहां जज की जो वहां पे जज कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ज्यूरी मेंबर।
उनको हम लोग कहते हैं ज्यूरी मेंबर बोलते हैं। तो वो सर हमारे लिए ज्यूरी, ज्यूरी यानी उसमें कितने लोग हैं, मिनिमम तीन होने चाहिए। तो मिनिमम तीन बैठते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम तीन। अगर दो लोग बैठे हैं तो वो ज्यूरी नहीं है सर, वो ज्यूरी नहीं है फिर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको हमेशा। तो सर यहां पे ज्यूरी, यूनियन, आर्मी, क्लास, फैमिली, अच्छा क्राउड हो गया सर इसमें, अच्छा पब्लिक हो गई सर इसमें, ये सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे सर, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, ठीक है सरकार। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, ठीक है सर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। चलिए दोस्तों, मटेरियल नाउन की कहानी बस केवल एक लाइन में खत्म हो जाएगी, हमको कुछ करना ही नहीं है सर, बस एक लाइन की कहानी है इसकी, मटेरियल नाउन की। सुनना जरा क्या कहानी है। ऐसी हर चीज, बेटा ध्यान से सुनना जरा, ऐसी हर चीज जिसका वजन हो, बस खत्म हो गया बेटा, इतनी कहानी खत्म हो गई हमारी। ऐसी हर चीज जिसका वजन हो, और वजन है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसी हर एक चीज मटेरियल है, ऐसी हर एक चीज मटेरियल है जिसका वजन है। सोचो, आप सोचो ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसका वजन नहीं है सर, हर चीज का वजन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर चीज मटेरियल है भाई, हमारा भी वजन है। आप अगर ये सोच रहे हो हमारा वजन, हमारा भी वजन है, तो हम भी मटेरियल हैं, हम भी मटेरियल हैं सरकार। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका वजन चेक करता है कि नहीं करता, खड़े हो भाई, हाँ भाई सही बात है, 80 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 60 किलो, 55 किलो। तो आप जब वजन चेक करते हैं, आपका भी वजन है यानी आप ही मटेरियल हो। और आपका मटेरियल क्या है सर, आपकी बॉडी। मर जाओगे, मरने के बाद जला दिया जाएगा, और जलने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ राख। और राख हवा चलने पर उड़ जाएगी। तो यहां पे एक और मैं आपको डेफिनेशन देने जा रहा हूं मटेरियल की, जरा समझना। मटेरियल नाउन किसे कहा जाएगा, जो जो पानी के समान हो, जो पानी के समान हो, जो हवा चलने पर उड़ जाए, जो हवा चलने पर उड़ जाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां पर मैं मटेरियल किसको कह रहा हूं, जो पानी के समान हो, और नंबर दो जो हवा चलने पर उड़ जाए। और अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन और दी थी, क्या था वो, ऐसी हर चीज जिसका वजन है, माप सके, तोल सके, वो मेरे लिए मटेरियल है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे इतनी चीज नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद में उसके बाद में फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है सर, टेक योर टाइम। चलिए दोस्तों, तो आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं अपन। लिखा हुआ जो जो पानी के समान हो और जो हवा चलने पर उड़ जाए। अब सोचो दोस्तों, जो पानी के समान हो ऐसी कौन कौन सी चीज है सर, वाटर भाई, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है, वाटर हो गया, अच्छा और क्या हो गया सर, पेट्रोल, मिल्क, डीजल, हनी, अच्छा दोस्तों गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, आयरन, ये सारी चीजें भी शामिल हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर गोल्ड कहां से, बेटा पिघल तो जाएगा, पिघलने के बाद में बचेगा क्या, सिर्फ लिक्विड ही तो बचेगा। तो ये चीजें हमारी पानी के समान हो गई, हवा में जो हवा चलने पर उड़ जाए, एक तो एयर है सर, एक तो एयर है यानी खुद हवा हो गई। लेकिन इस हवा को हम अभी लेंगे नहीं सर, कारण है उसका, एक बात समझ के चलिएगा कि ऐसी सभी चीजें जो आपकी वजन में आ रही हैं, किसमें आ रही है, वजन में। तो देखो ये जितनी भी चीजें जो वजन में आ रही है, जैसे आप माप रहे हो और तोल रहे हो, सुनना मेरी बात, जिसको आप माप रहे हो तोल रहे हो, ऐसी सभी चीजें जो वजन में आ रही हैं, तो उन्हें हम देख भी तो सकते हैं अपनी आंखों से। हवा दिखती कहां है हमको यार, हवा नहीं दिखती, हवा में तो हमें मिलाया, हमें मिलाना पड़ता है कुछ, और हमें चीजें मिलानी पड़ती हैं हवा में,
जैसे गंध आने के लिए या ये देखने के लिए कि हवा निकल रही है, तो उसके लिए हवा हमें दिखती नहीं है सर। हवा जब चलती है तो उसके साथ में धूल उड़ती है तो समझ में आता है सर हवा चल रही है या इतनी तेज है या इतनी स्पीड में है, पर हवा हमें नहीं दिखाई देती है, महसूस होती है हवा, ये सिर्फ हमें महसूस होती है। तो जो चीज हमें महसूस होती है उस चीज को हम कहां लेके जाते हैं, उसे हम लेके जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। कहां लेके जाएंगे दोस्तों, उसे हम लेके जाएंगे भाववाचक संज्ञा में, यानी कि जो दिखे नहीं, छू ना सके, सिर्फ महसूस कर सके, सिर्फ महसूस कर सके, तो वो चीज किस में चली जाएगी सर, आपकी भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी, जैसे कि एयर। अच्छा इसी में आ जाओ सर, डार्क अंधेरा, लाइट रोशनी, लव हेट नफरत, अच्छा एंगर गुस्सा हंगर, अच्छा इसी में आ जाओ सर थर्स्ट प्यास, अच्छा ऑनेस्टी ईमानदारी, यंग जवानी, अच्छा इसी में ले लो एक और ले लो वर्ड चाइल्डहुड यानी बचपन। बेटा ये चीजें हमको कभी दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती हैं। आप देख लो अच्छे तरीके से, ना तो हमें हवा दिखती है, डार्क अंधेरा, आंखें बंद कर लोगे तो अंधेरा हो गया सर, दिन में भी अंधेरा हो गया, महसूस होता है अंधेरा, आंखें नहीं होंगी तो सर पता नहीं चलेगा क्या अंधेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब ये मत कहना कि सर हमें अंधेरा दिखता है, नहीं दिखता, आंखें बंद कर लो हो गया अंधेरा, दिन में भी आंखें खोल लो, यानी कि ये नहीं हो हमारे पास, आंखें नहीं हो तो हम फील नहीं कर पाएंगे सर, ये तो सेंस वाली बात है। तो सर ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार लाइट हो जाएगी प्यार लव, ये भी सर दिखता नहीं है फील होता है, हेट नफरत फील होती है, गुस्सा ये गुस्सा हमें महसूस होता है फील होता है, चाइल्डहुड बचपन फील होता है। आपने देखा होगा सर लोग बड़े हो जाते हैं 30 साल 35 साल 40 साल लेकिन उनका बचपना नहीं छूटता है, वो बचपन वो बालकों जैसी हरकतें करते हैं, उनकी बुद्धि भी कहीं ना कहीं बालकों जैसी हो जाती है, या होती तो बोलते हैं ना यार मतलब तुम्हारा बचपना नहीं गया अभी तक। अच्छा हंगर माने भूख, थर्स्ट प्यास, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, ये आपको दिखेगी नहीं सर सिर्फ महसूस होगी, यंग जवानी ये तो हम फिर भी सर तोल सकते हैं नाप सकते हैं, भैया एक लीटर पानी दे दो पेट्रोल दे दो एक लीटर तोल सकते हैं नाप सकते हैं, यहाँ तो बेटा नापने तोलने का सिस्टम ही खत्म हो गया, यहाँ तो सर महसूस करने की बातें हैं। आप किसी से नहीं कह सकते सर मुझे तुम 200 ग्राम प्यार है, असंभव है बेटा, आप कह नहीं पाओगे किसी से 600 ग्राम नफरत करता हूँ मैं तुझसे, असंभव है बेटा, ये सिर्फ फील होती हैं चीज़ें, ठीक है यहाँ सिर्फ महसूस होती हैं। अच्छा सर देखो जरा यहाँ पे सर हम उन चीज़ों की बात कर रहे थे जो पानी के समान हो, तो ये हो गई सर। अब ऐसी चीज़ें भी सोच लो जो हवा चलने पर उड़ जाए, हवा चलने पे उड़ जाए तो सर आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से ऐश यानी राख, अच्छा इसी में आ जाएगी सर आपकी डस्ट यानी धूल धूल, अच्छा सैंड, सैंड माने क्या होता है बेटा रेत, अच्छा सॉयल मिट्टी, अच्छा और क्या आ जाएगा बेटा सीमेंट आ जाएगा सीमेंट, ये भी तो सर हवा चलने पे उड़ ही जाएगा सर, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा जो आपको समझ में आना चाहिए था, और उम्मीद करता हूं कि आपको आया भी होगा, माफ कीजिएगा, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन, ये पांचों के पांचों मैंने आपको यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आसान शब्दों में सरल भाषा में आपको ये बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे का, कल हम नाउन